नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 अपडेट में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रपति ने 13 राज्यों के राज्यपाल और एलजी को बदल दिया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर करते हुए रमेश बैस को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो बताते चले आपको कि बिहार और झारखंड के राज्यपाल बदले गए हैं। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं और दक्षिण से बीजेपी के सबसे पुराने नेताओं में से एक हैं सीपी राधाकृष्णन। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में फागू चौहान को बदलकर, बताते चले आपको कि राजेंद्र विश्वनाथ आलोरकर को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है, वहीं फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है और रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान का अब मेघालय के राज्यपाल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर के 13 राज्यपालों को बदलने पर अपनी सहमति जता दी है और इसी के तहत अब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलोरकर अब बिहार के नए राज्यपाल होंगे। यह पहला मौका नहीं है जब बिहार के राज्यपाल को बीच में ही बदला गया हो। इसके पहले भी सतपाल मलिक समेत कई राज्यपाल दूसरे राज्य में भेज चुके हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद बिहार में राजभवन में हलचल तेज हो गई है। राजभवन से इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संजय कुमार। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर के 13 राज्यपालों को बदलने पर अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद बिहार के मौजूदा राज्यपाल फागू चौहान का ठिकाना बदल जाएगा। अब फागू चौहान मेघालय के नए राज्यपाल होंगे। फागू चौहान की जगह हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जेंद्र विश्वनाथ आलेरकर को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, लेकिन इसके साथ ही कई दूसरे राज्यों के भी राज्यपाल बदल दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कैबल त्रिविंद्रम परनाइक को अरुणाचल प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का नया राज्यपाल बनाया गया है। सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल होंगे। गुलाब चंद कटारिया असम के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। अयोध्या केस का फैसला सुनाने वाले पीठ का हिस्सा रहे न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वाभूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल बनाया गया है। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया है। इसके अलावा झारखंड के राज्यपाल को भी बदल गया है। रमेश बैस को अब महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जो रिटायर्ड हैं उनको लद्दाख का उप राज्यपाल बनाया गया है। और अब बिहार के जो मौजूदा राज्यपाल हैं उनका बाकी का जो कार्यकाल है वह अब मेघालय गवर्नर के तौर पर होगा। इसके पहले भी कई गवर्नर बिहार में बीच में बदले गए हैं और उन्हें बिहार के अलावा दूसरे स्टेट का गवर्नर अपॉइंट किया गया है। अब फागू चौहान भी मेघालय के गवर्नर हो गए हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और इधर सीएम नीतीश कुमार की नसीहत के बावजूद भी आईपीएस विकास वैभव का एक बार फिर से ट्वीट सामने आ चुका है। संस्कृत का श्लोक लिखकर विकास वैभव ने एक बार फिर से ट्वीट किया। ट्वीट संदेश में विकास वैभव ने लिखा है कि जिसके हृदय में दया है, जिसकी वाणी में सत्य है, जिसके कार्य भी दूसरों के हित के लिए हैं, उसका मृत्यु भी क्या कर सकेगा। बताते चले आपको कि विकास वैभव फिलहाल 3 दिनों की छुट्टी पर हैं। उनकी ओर से 60 दिनों की छुट्टी के आवेदन पर विभाग ने स्वीकृति नहीं दी थी। बताया जा रहा है कि वे कल कारण बताओ नोटिस का जवाब दे सकते हैं। तो ये चौथा ट्वीट विकास वैभव का इस पूरे प्रकरण में सामने आया है। इसके पहले भी नीतीश कुमार ने इस बात का जिक्र किया था कि एक सही फोरम पर अपनी बात को रखना चाहिए, न कि ट्वीट के जरिए, लेकिन उसके बाद विकास वैभव का लगातार ये दूसरा ट्वीट सामने आ चुका है। तो विकास वैभव को सुशील कुमार मोदी का साथ मिला है। जी हां, सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि महागठबंधन सरकार में काबिल अधिकारी प्रताड़ित किए जाते हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के सीनियर आईपीएस अफसरों का मनोबल तोड़ रहे हैं। और वहीं कटिहार में महिला सिपाही हत्याकांड में अब तक 7 में से केवल एक ही आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार
कटिहार पुलिस अपने महकमे से जुड़े मामले के खुलासे को लेकर क्यों शिथिल है, ये एक बड़ा सवाल है। इस बीच मुंगेर जमालपुर के रहने वाले मृतक पुलिस कांस्टेबल प्रभा भारती के भाई सौरभ ने कई आरोप लगाते हुए इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। प्रभा भारती के भाई ने कहा है कि पूरा मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। उसने एक युवक पर अपना परिचय छिपाकर उसकी बहन से प्रेम का ढोंग करने का आरोप लगाया है। मामले में अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी सुब्रत गुहा। हसन नाम का लड़का उसको रोज मतलब तंग करता था, उसको मतलब झूठ बोलकर, वो हिंदू बोलकर उसके साथ मार्केट जाता था मतलब, और घूमता था और उसको मंदिर उंदिर लेकर जाता था हिंदू बोलकर। उसके बाद वो उसको उससे विवाह करना चाहता था। जब मेरी बहन को पता चला कि वो हिंदू नहीं एक मुस्लिम लड़का है, तो फिर वो उससे दूर रहने लगी और फिर उससे दोस्ती करना नहीं चाह रही थी, पर वो जबरदस्ती उसको ब्लैकमेल करने लगा। कटिहार में महिला सिपाही प्रभा हत्याकांड पर अब लगातार कई खुलासा हो रहा है। न्यूज 18 के हाथ ऐसे कई दस्तावेज लगा है जो प्रभा को अपने ही विभाग में किस तरह से लगातार अपने फरियाद को लेकर भटकना पड़ता रहा था, इसकी तस्दीक कर रहा है। जरा इस आवेदन को देखिए, ये महिला थाना में से जुड़ा हुआ आवेदन है जो प्रभा ये आवेदन दिया था, ऐसा बताया जा रहा है। और दूसरा इसी परिसर में जो SC ST थाना है, इसमें भी उनके साथ जो फेक ID बनाकर हसन नाम के लड़का जो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था, इससे जुड़ा हुआ कंप्लेन ठीक इसी थाना दोनों में दिया गया था, ऐसा लगातार बातें अब सामने आ रहा है। ये तस्वीर जो है ये बैद्यनाथ धाम की है, जहां बताया जा रहा है प्रभा हसन नामक युवक के साथ था और उसे विश्वास दिलाने के लिए हसन ने उसके साथ पूजा पाठ तक किया था। तीसरी तस्वीर लगातार जब ये पता चला प्रभा को कि वो दूसरे धर्म का है और इस रिश्ते से बाहर निकलना चाह रही थी, तब प्रभा को किस तरह से धमकाया जा रहा था, इसका तस्वीर भी जरा इन SMS से कीजिए देखा जा सकता है जो WhatsApp में फेक ID बनाकर दिया जा रहा था। I am sorry प्रभा इन एडवांस बिकॉज तुम्हारे जब तक दूसरे के बातों पे ही चलना है तो तुम्हें मुझे भी कुछ करना होगा, इस तरह का फेक ID बनाकर हसन के तरफ से ये धमकाया जा रहा है। कुल मिलाकर इस मामले में अब कई मोड़ आने लगा है और पुलिस इस पर जांच कर रही है। ये वो थाना है महिला थाना और अनुसूचित जनजाति थाना, इसी दोनों थाना में प्रभा के तरफ से आवेदन दिया गया था और जिसको अनसुना किया गया, जिस कारण पुलिस कांस्टेबल प्रभा की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस अब जाँच की बात कर रही है, निश्चित तौर पर जाँच में जो परिणाम आएगा वो तो गई, लेकिन कटिहार पुलिस जो दावा करती है लोगों के सुरक्षा के प्रति सजग तक, इस पर सवाल जरूर उठता है। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। और भागलपुर के सनहौला में बेखौफ बालू माफियाओं ने एक मजदूर को ट्रैक्टर से चढ़ाकर बेरहमी से मार डाला। मामले की जानकारी के बाद भी काफी देर तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। वहीं जब परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया तब मौके पर पहुंची सीमा विवाद में उलझ गई। करीब 4 घंटे तक मजदूर का शव वहीं पड़ा रहा। परिजनों ने बालू के खेल में स्थानीय पुलिस और जनप्रतिनिधियों की संलिप्तता बताई है। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। 5 बजे भोर में कौन चढ़ा दिया? रंजीत यादव और सरवन यादव। कोई विवाद था पहले से इनके बीच? झगड़ा हुआ है। किस बात को लेकर? गाड़ी आई बेसाई में हमारा कैन भर है। आपको कब मालूम चला? 4 बजे भोर। क्या नाम था? फुले सर ज्यादा। आपका क्या नाम है? रानी देवी। आप कौन है? पतिया। और गया में अवैध नर्सिंग होम में डॉक्टर की लापरवाही से एक बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि घाव के ऑपरेशन करवाने और उन लोगों ने अपने बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन ऑपरेशन के बाद डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मौत हो गई। मृत बच्चे की चाची IG ऑफिस में तैनात है। किडनी के पास जख्म था, उसके लिए इलाज के लिए आए, ये भर्ती लिया, भर्ती लेकर बोला कि मैं इसका सही इलाज करूंगा, सही तरह से सब कुछ अच्छा होगा। सुबह 4 घंटा ये ऑपरेशन थिएटर में रखा है, 8 बजे से लेकर गया है, 11 बजे ऑपरेशन थिएटर से निकाला है, उसके बाद बचा का होश नहीं आया। कुछ सेकंड के लिए आंख खोला है और उसके बाद शरीर इसका पीला पड़ने लगा, पूरा का पूरा शरीर पीला पड़ने लगा।
आइलियर सोआस एब्सेस का ओरिजिन जो होता है वो स्पाइन से होता है, हड्डी से ही होता है, और आइलियर सोआस मसल जो होता है वो लोअर लंबर वर्टिब्रा से L1, L2, L3, L4 से मसल ओरिजिन करता है। और जो हड्डी है जख्म बनती है बोन टीवी की, बोन टीवी का ही फर्स्ट बनता है। और देवघर के मुख्य बाजार अंडापट्टी में अपराधियों से मुठभेड़ में पुलिस बल में तैनात 2 जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि मछली व्यापारी की हत्या करने के इरादे से कुछ अपराधी हथियार के साथ पहुंचे थे। इस दौरान मछली व्यापारी सुधाकर झा के सुरक्षा में तैनात दोनों जवान से मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद दोनों जवानों को गोली लगी और दोनों जवान शहीद हो गए, जबकि घायल अवस्था में एक अपराधी को यहां पर पकड़ा गया है। घायल अपराधी को देवघर सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं अब फिलहाल दोनों शहीद जवानों का शव देवघर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टया चला कि गोली चली है, गोली चलने से 2 कांस्टेबल का डेथ हुआ है। क्या विवाद क्या सर? विवाद का क्या कारण पता चला? अब तो गोली चली है, गोली में विवाद का नहीं था, पहले तो ऑलरेडी इन लोगों से विवाद चलता ही है ना। इन दोनों में पप्पू सिंह और सुधाकर सुमन मिश्रा में तो आपस में विवाद होता ही है, इनका तो अपना इसका व्यक्तिगत लड़ाई झगड़ा है। और किशनगंज SSB की 12वीं बटालियन ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कंटेनर से 25 भैंस के साथ 4 पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है। SSP के कमांडेंट ने बताया कि तस्कर मुरादाबाद के रहने वाले हैं, जो अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य हैं। बिहार पुलिस के सहयोग से फरिंगोला चेक पोस्ट पर एक ट्रक को पकड़ा गया है, जिसमें 25 मवेशी हैं जो भैंसा वैरायटी के हैं, और 4 तस्करों को पकड़ा गया है और उन्हें पुलिस को हैंडओवर किया गया है। ये तस्करों से पूछताछ के दौरान जानकारी मिली है कि ये लोग कहीं मुरादाबाद का रहने वाला है और ये अंतर्राज्यीय गिरोह है जो मवेशियों को कहीं UP कहीं नेपाल से लेते हुए बिहार बंगाल होते हुए और कहीं बांग्लादेश या नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भेजता है। और देखिए, आरा में इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने आरा जेल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल वायरल वीडियो आरा मंडल कारा का बताया जा रहा है, जिसमें दिख रहा है कि शख्स खुद को 23 जनवरी 2015 में हुए आरा सिविल कोर्ट बम ब्लास्ट का आरोपी अखिलेश उपाध्याय बता रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि बंदी आरा मंडल कारा में हो रहे अनैतिक गतिविधियों को उजागर कर रहा है, साथ ही जेल में प्रशासन पर हेरोइन और अन्य मादक पदार्थ को बेचवाने का काम करवा रही है, ये बात उसकी ओर से कही जा रही है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आरा जेल से हम अखिलेश पदार मूसा बोल रहे हैं। आरा जेल में बहुत अत्याचार हो रहा है, कैदियों भाइयों को बड़ी टचर किया जाता है। भारद्वाज एक वकील साहब है पटना के, वही सब डील करते हैं, सेल में मार मार के डलवाते हैं। 50 लाख रुपया के ये लोग मांग किए, 50 लाख रुपया हम लोग को कसम कमवा दो। संदीप सर को यही खातिर जा रहे हैं कि हम लोग कमाना है, यहाँ से नया नया पोस्टिंग मिली है। शबन प्रिया रोशन यही दोनों जन टचर करते हैं वकील साहब के लेके, और बड़ी वो बंदी लोग एकदम अत्याचार हुआ है। बोलने के बाद बड़ी मार मारता है, सब कहता है कि मार के चलान कर दूंगा भागलपुर तिहार। आई जी हमारा हाथ में रहता है, DM मेरे हाथ में, SP हाथ में, तू लोग क्या कर सकते हैं। आरा मंडल कारा से एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मंडल कारा में लंबे समय से बंद एक कुख्यात अपराधी, जो आरा सिविल कोर्ट बम ब्लास्ट का भी अपराधी है, अखिलेश उपाध्याय नाम बता रहा है अपनी, उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ तौर पर ये जेल में मौजूद अधिकारियों पदाधिकारियों पर आरोप लगा रहा है कि उसको ब्लैकमेल करके और उसको परेशान करके जेल के अंदर मादक पदार्थ बेचवाए जाते हैं, गांजा हेरोइन बेचवाने का इल्जाम लगाया है उस अखिलेश उपाध्याय नाम के बंदी ने। हालांकि उस बंदी को 2 दिनों पहले ही यहां से अररिया मंडल कारा भेज दिया गया है, लेकिन अभी भी जो वो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। जब हमने इस वीडियो के बारे में मालूमात करने की कोशिश की, जांच करने की कोशिश की, तो साफ तौर पर आरा मंडल कारा के जो पदाधिकारी थे उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताया, और इसी वीडियो को लेकर जब हमने जिला प्रशासन से भी बात करनी चाहिए तो उन्होंने वीडियो के जांच की बात कही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो आरा सिविल कोर्ट बम ब्लास्ट का आरोपी है, जो वीडियो में साफ दिख रहा है, उसने इस वीडियो को कैसे तैयार किया, और मंडल कारा के भीतर जो प्रतिबंधित
चीज़ है यानी मोबाइल है वो कैसे गया और उसने जो गंभीर आरोप लगाए हैं वो क्यों लगाए, ये सारी बातें जो है वो जांच का विषय है। न्यूज 18 के लिए आरा से मैं हिमांशु प्रवीण। अव्यवस्थित ट्रैफिक, गंदगी और अतिक्रमण के कारण पटना जंक्शन के आसपास के इलाके की तस्वीर अभी भले ही बदरंग दिखती हो लेकिन अब पटना नगर निगम ने इस इलाके को बेहतर बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। अगले एक सप्ताह तक पटना नगर निगम को इसके लिए रिजर्व पुलिस फोर्स मुहैया कराया गया है। पटना जंक्शन के आसपास के इलाकों में खाने पीने का सामान बेचने वाले ठेला चालकों को आगाह किया गया है कि वे सड़क पर गंदगी न फैलाएं, अगर गंदगी फैलाते हैं तो उनके खिलाफ सोमवार से जुर्माना वसूला जाएगा। पूरा मामला क्या है बता रहे हैं सहयोगी संजय कुमार। इस वक्त हम पटना जंक्शन के पास खड़े हैं और ठीक हमारी दाहिनी तरफ पटना जंक्शन की बेहद खूबसूरत तस्वीर नजर आती है और पटना जंक्शन के बगल में जो राजधानी का सुप्रसिद्ध महावीर मंदिर है वो भी नजर आता है, लेकिन इन सब के बीच जो एक दूसरी तस्वीर है वह कई सवाल खड़े करती है। यह जो तस्वीर है वो बताती है कि पटना जंक्शन का इलाका किस कदर गंदगी, अतिक्रमण और अव्यवस्थित ट्रैफिक के कारण अपनी सूरत बिगाड़ चुका है, लेकिन अब पटना नगर निगम को होश आया है और पटना नगर निगम ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है अगले एक सप्ताह के लिए। इसके लिए उसे पुलिस डिपार्टमेंट से एक रिजर्व फोर्स भी मुहैया कराया गया है। अब पटना जंक्शन के सामने जितने भी वेंडर हैं, 195 वेंडर हैं, वो गंदगी फैलाते हैं। इन सभी वेंडरों को नगर निगम की टीम ने डस्टबिन रखने के लिए चेतावनी दी है। जो वेंडर डस्टबिन नहीं रखेंगे उन पर कल से जुर्माना शुरू किया जाएगा। जंक्शन के पास पुल के नीचे देर रात तक वेंडर अपना सामान छोड़कर चले जाते हैं लेकिन अब इनका सामान जो है वो जब्त कर लिया जाएगा। पटना जंक्शन का यह इलाका हर वक्त अतिक्रमण से जो है वो प्रभावित रहता है और इसको लेकर कई बार कार्रवाई भी की गई लेकिन जो वेंडर हैं या ऑटो चालक हैं या दूसरे लोग हैं वो बात मानने को तैयार नहीं होते हैं और पटना जंक्शन की तस्वीर जो है वो लगातार बिगड़ी हुई नजर आती है। ऐसे में अब पटना जंक्शन के पास तस्वीर को सुधारने के लिए पटना नगर निगम हो या पटना जिला प्रशासन या ट्रैफिक महकमा, उन्होंने एक एक्शन प्लान तैयार किया है और आने वाले दिनों में पटना जंक्शन को व्यवस्थित किया जाएगा और इसको एक बेहद खूबसूरत तस्वीर देने की कोशिश की जाएगी। देखना होगा जो एक्शन प्लान तैयार किया गया नगर निगम की तरफ से उसमें कितना वो कारगर हो पाता है और आने वाले दिनों में पटना जंक्शन की तस्वीर किस कदर सुधरती है, क्योंकि पटना जंक्शन का आसपास का इलाका राजधानी का नाक माना जाता है, खासकर डाकबंगला चौराहे से लेकर पटना जंक्शन जो है वो बेहद खूबसूरत तस्वीर पेश करता रहा है, लेकिन हाल के सालों में जो तस्वीरें सामने आई हैं वह कई सवाल खड़े करती हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और जहानाबाद में 50 बेड का स्पेशल और फैब्रिकेटेड अस्पताल बनाया गया है। शनिवार को इसका उद्घाटन किया गया। केंद्र सरकार की विशेष योजना के तहत बनने वाले इस अस्पताल पर लगभग 3 करोड़ की लागत आई है। अस्पताल सदर अस्पताल परिसर में ही बना है। अस्पताल पूरी तरह से वातानुकूलित है और इसमें विशेष चिकित्सकों की तैनाती की गई है। जायजा लिया सहयोगी राजीव रंजन विमल ने। जहानाबाद सदर अस्पताल जो कुछ दिन पहले तक बदहाली का रोना रोता था, अब इसके साथ एक और कड़ी जुड़ गई, वो पॉजिटिव है। 50 बेड का फैब्रिकेटेड अस्पताल यहाँ आज उद्घाटन हुआ है। हम आपको चलते अंदर ले चलते हैं। तो सदर अस्पताल का ये नया 50 बेड का फैब्रिकेटेड अस्पताल है। जहानाबाद के आवाम के लिए 50 बेड का नया सुसज्जित सुव्यवस्थित मतलब फैब्रिकेटेड अस्पताल आज हम लोग दे रहे हैं और ये जिम्मेवारी सिविल सर्जन और अधीक्षक और मैनेजर सभी लोगों का है, हम लोगों की भी जिम्मेवारी है कि भाई इसको बढ़िया मेंटेन रहे। ये जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पंजीयन जो होता है मरीजों का वो होगा, उसके बाद इधर में अकाउंटेंट का है, आगे में देखेंगे आप हर तरह का कक्ष बनाया गया है। ये फैब्रिकेटेड अस्पताल जो था कई दिनों से बनकर तैयार था लेकिन अब इसका उद्घाटन हो गया है। उद्घाटन के बाद क्या स्थिति है, हम यहाँ जो अधीक्षक हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे कोशिश करते हैं बात करने की। अब हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है कि मेरे पेशेंट लोग अब नए बिल्डिंग में आएंगे और अच्छा माहौल में हम लोग भी काम करेंगे, मन भी लगेगा काम। यहाँ क्या क्या कुछ खास सुविधाएं भी हैं? यहाँ पर खास सुविधा है कि यहाँ पर बेड साइड आपको ऑक्सीजन पाइपलाइन में एसी का चैम्बर है, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, यहाँ पर डॉक्टर्स और एनेस्थेसिस्ट सब लोग यहाँ पर ऑपरेशन भी करेंगे, सब कुछ यहाँ व्यवस्था है, वहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सदर अस्पताल का नया फैब्रिकेटेड अस्पताल है, जो भवन है 50 बेड का है फिलहाल,
और इसमें वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो किसी बेहतर अस्पताल में होती है। जाहिर है इससे जिले के जो मरीज हैं उनको एक अलग अनुभूति होगी, उनको नई सुविधा मिलेगी और उनको बेहतर इलाज मिलेगा। राजीव रंजन विमल, न्यूज 18, जहानाबाद। और राजधानी के चैंबर ऑफ कॉमर्स में 2023 आम बजट को लेकर परिचर्चा का आयोजन किया गया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी इसमें शामिल हुए। सुशील कुमार मोदी ने बजट की प्रशंसा की और कहा कि इससे दूरगामी परिणाम होंगे। अमेरिका में कहते हैं कि 40 साल की सर्वोच्च महंगाई अमेरिका और यूरोपीय संघ में, उस तुलना में भारत में तो महंगाई बहुत कम है। और गया में एक शादी समारोह में फायरिंग का मामला सामने आया है। गया में संधी मिलन के दौरान जमकर गोली चली है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो 9 फरवरी का बताया जा रहा है, हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और बाढ़ अनुमंडल के हाथीदह राजेंद्र सेतु को लेकर असामाजिक तत्वों ने बंद होने की गलत अफवाह फैला दी, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल हाथीदह राजेंद्र सेतु पर मरम्मती का काम होना है, लेकिन अभी इसकी कोई भी तारीख सामने नहीं आई है। लेकिन असामाजिक तत्वों ने आज रात से सेतु बंद होने की गलत खबर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। पुलिस प्रबंधन ने हालांकि बताया है कि इस खबर को खारिज कर दिया है और कहा है कि जब मरम्मत का काम शुरू होगा तो सबसे पहले खबर की जाएगी। ये आवश्यक सूचना साइन बोर्ड जो है, हम लोग इसको लिखावट कर करके हम अपने ऑफिस में रखा हूँ। ये जब काम जब चालू होगा तो 2-3 दिन पूर्व जो है इसको प्रेस में इसको जारी किया जाएगा। और ये सब कोई किसी के बदमाशी किया हुआ है कि फोटो खींच करके वायरल कर दिया है। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजधानी रांची में रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर या फिर कोई वाद्य यंत्र बजाने पर रोक है। इसमें इसके इस्तेमाल पर निगम और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। बीती रात गोंदा थाने के अंतर्गत धवन नगर में रात 10 बजे के बाद भी गाना बजने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साउंड बॉक्स और एम्पलीफाई को जब्त कर एक व्यक्ति पर FIR दर्ज किया है। इस पर अधिक जानकारी दे रही है सहयोगी रूपाली त्रिपाठी। हाई कोर्ट के आदेश पर नगर निगम और प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है। बता दें कि रात 10 बजे के बाद किसी भी तरीके के ध्वनि प्रदूषण पर सीधा सीधा पाबंदी जो है लगा दिया गया है। पीछे जैसे आप लाउड स्पीकर्स देख रहे हैं, वो 10 बजे के बाद बिल्कुल भी बजाना अलाउड नहीं है। वही बीती रात गोंदा थाने इलाके में एक शख्स पर FIR किया गया। साथ ही रात 10 बजे के बाद स्पीकर्स बजाने पर उसकी सारी स्पीकर्स और इक्विपमेंट जब्त कर लिए गए हैं। प्रशासन और नगर निगम ध्वनि प्रदूषण को लेकर बनाए गए नियम पर काफी ज्यादा सख्ती बरतने लगा है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18, रांची। और गिरिडीह के तीसरे प्रखंड में एक गिट्टी लदे ट्रक खरखारी पंचायत के हाथिया गढ़ मुख्य मार्ग पर पलट गया। ट्रक पलटने के साथ ही सड़क पर शराब की बोतल बिखर गई। हालांकि इस दौरान चालक और खलासी भागने में सफल रहे, लेकिन लोगों के बीच यहां पर शराब लूटने की होड़ मच गई। कोई जेब में शराब भर रहा है तो कोई डिक्की खोलकर उसे ले भाग रहा है। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंची और शराब को जब्त किया गया, जिसमें करीब 5,000 से अधिक बोतल शराब बरामद होने की सूचना है।